हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेक मिस्टर टेक मेडे सिस्टर। हम लोग जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, आरवीएनएल है, रेल विकास निगम लिमिटेड। आप लोग दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे कि शेयर कितना ज्यादा ग्रोथ किया है पिछले एक मंथ में, और ये रैली दोस्तों इतनी शानदार रही है कि हम लोगों को 100% से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी इसमें मिल रहा है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इसको कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, और मैंने आपको कहा था कि एक बार ये 60 का पॉइंट ब्रेक करेगा उसके बाद, क्योंकि नो पॉइंट है इसके ऊपर, कोई ऐसा रुकाव वाला रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिखता। मतलब जब तक इन्वेस्टमेंट आती रहेगी, शेयर ग्रोथ होता रहेगा, फिर अगर किसी बड़े ने प्रॉफिट बुक किया तब शेयर थोड़ा करेक्शन पे आएगा, और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ये फ्री गोइंग शेयर दिखाई पड़ता है। और उसी के चलते दोस्तों इस शेयर में हम लोगों को बहुत ज्यादा रिटर्न बन रहा है। ऑलरेडी 170% तक का रिटर्न दिखा रहा था मेरे पीएनएल में, और अभी हम लोग इसके ऊपर अपडेट लेंगे कि कितना और अभी इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो किस प्राइस पे जाएं, और जो लॉन्ग व्यू रखते हैं अभी आगे के क्या टारगेट लें, क्योंकि ऑलरेडी टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। तो समझते हैं, देखिए दोस्तों अभी इसका हम लोगों ने जैसे कि 13 दिन पहले इसका 54 रुपीज के अराउंड क्वार्टर टू हम लोगों ने डिस्कस किया था, और बहुत ही गजब नतीजे इसके निकल के आए थे, और उसके बाद ये शेयर लगातार दोस्तों ग्रोथ पे बना हुआ है। देखिए क्वार्टर फोर के अगर हम लोग देखें FY22 का, तो वहां से अगर क्वार्टर टू तक देख लिया जाए तो सिक्स्थ मंथ अराउंड हमको देखने को मिलता है 33 रुपीज से अभी 80 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। मतलब यहां से भी बहुत ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिल चुकी है। तो इसी पे अपडेट लेंगे, सारी चीजों को विस्तार से समझेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस नहीं होंगे। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज और डेवनेट अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप यहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट समझते हैं दोस्तों। तो मैं देख रहा था आज बहुत सारे एक्टिव शेयर में आपको टॉप पे भी एक रेलवे फाइनेंस की कंपनी देखेगी, और तीसरे चौथे नंबर पे हमको रेल विकास निगम देखने को मिल जाता है। दोनों ही शेयर बेहतरीन मूवमेंट कर रहे हैं और काफी अच्छा ग्रोथ इनमें देखने को मिलता है, जबकि बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल होल्ड करते हैं, तो इसमें काफी अच्छा रिटर्न बन रहा है। तो अपडेट में अगर दोस्तों इसके डिस्कस करें तो हम लोगों को देखने को मिलेगा सही मार्केट कैपिटल है, 12 महीने की कंडीशन अच्छी है, और इस टाइम पे करंटली दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई पे शेयर ट्रेड कर रहा है। ये चीज मतलब पहले कभी भी 80 रुपीज तक ये शेयर नहीं गया था, और उसी तरीके से मतलब अपने 52 वीक हाई के अराउंड है, और लो की बात करें तो 29 रुपए इसका लो था, और मैंने आपको 30 रुपए के अराउंड भी इसको रिकमेंड किया था कि खरीद लो, मौके बहुत कम मिलते हैं कि लोअर लेवल पे 30-29 रुपए के अराउंड आपको ये खरीदने के लिए मिल जाए। तो बहुत लोगों ने, मेरे दोस्तों ने भी इन्वेस्टमेंट किया, आप लोगों में से भी जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है चाहे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे, मैंने हर जगह पे बार बार यहाँ पे रिकमेंड करते रहा हूं। ऐसा नहीं है कि अचानक से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 80 रुपए के अराउंड आया है तब डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग दोस्तों जैसे कि आप इसमें वीडियोस देख रहे होंगे, इसमें अगर हम लोग बहुत पीछे जाएंगे तो हमको एक साल से भी पहले के लेवल्स दिखाई देंगे। ये देखिए 27 रुपीज के अराउंड देखने को मिलता है जब डाउनफॉल आया था। इस वजह से हम लोग दोस्तों इसको डिस्कस करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम डिस्कशन हो रहा है, और काफी कुछ अपडेट है इस कंपनी को, इसीलिए मैं इसमें आपको दिखा रहा था कि ये ज्यादा ही शानदार हम लोगों के लिए साबित हुआ है। अगर देखा जाए दोस्तों तो 20 अक्टूबर से अभी तक का अगर डाटा देखें तो ये बहुत तेजी से मतलब ग्रोथ हुआ है, और ये अभी जो ग्रोथ है ये काफी शानदार होने की वजह से जो रिटर्न बन रहा है वो काफी ऊपर पहुंच गया है। और आज भी दोस्तों बहुत टाइम तक तो शेयर अपर सर्किट पे लॉक हो रखा था, क्योंकि ऑलमोस्ट 10% का इसका लॉक था, तो 10% तक पहुंच गया था। उस हिसाब से ग्रोथ भी बहुत शानदार है, और यहां पे देखिए लगातार इसमें दुगना कर दिया पैसा। ठीक है, हर जगह वही खबर है कि आरबीएनएल ने जो रिजल्ट आए उसके बाद जो ग्रोथ है शेयर में वो बहुत गजब हुई है। हर जगह अमर उजाला ये सब देखिए अपने जो न्यूज में आते रहते हैं, हर जगह पे यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि शेयर जो है एक महीने के अंदर ही दुगना पैसा कर दिया, और ये सच बात है, क्योंकि अभी आप देखेंगे 40 रुपए के अराउंड था 3 हफ्ते पहले, जो अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, फर्स्ट वीडियो में ही दिख रहा है कि 42.65 रुपए के अराउंड था 3 हफ्ते पहले, मतलब 4 वीक अराउंड हम लोगों को और भी लो देखने को मिलता था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये 100 क्रॉस कर चुका है, और शानदार परफॉर्मेंस इसमें बनी हुई है, और जो ग्रोथ है दोस्तों वो
गजब का यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो मेन रीजन दोस्तों इसके रिजल्ट है, फिर उसके बाद बहुत सारे इसको ऑर्डर भी मिल रखे हैं, बहुत जगह पे ये काम भी कर रही है, ऑलरेडी इसके प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, जिसकी वजह से ग्रोथ इसमें लगातार हमको देखने को मिलती है। और जब रिजल्ट आए थे तब भी दोस्तों मैंने आपको यही पॉइंट बताया था कि ये जो 28% का इस बार ग्रोथ है पिछले वाले रिजल्ट से, ये काफी शानदार साबित होने वाला है, और वही चीज हमको दिखाई पड़ा है। तो अगर लेटेस्ट में बात करें दोस्तों, तो ये देखिए मैंने आपको 63 के बाद 72 का टारगेट दिया था, वो भी अचीव हो चुका है। और अभी देखिए ये शेयर लगातार 1 नवंबर के बाद से अगर हम लोग देखें, इसमें जो कैंडल्स बन रहे काफी बड़े बड़े बन रहे हैं। अगर छोटे में बन रहे हैं तो जिस दिन सेलिंग हो रही है, मतलब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लोग कर रहे हैं, वो छोटे छोटे बार रह रहे हैं, और लोग काफी ज्यादा मतलब 4 दिन लगातार इसमें देखिए अराउंड हमको देखने को मिलता है बहुत ज्यादा बड़े वॉल्यूम पे, 50+ मिलियन वॉल्यूम का इसमें ट्रेड देखने को मिलता है, और आज के दिन मंडे के दिन भी 127 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो काफी बड़े एक्टिव पे ट्रेड हो रहे हैं। अब अगर इसके हम लोग अपकमिंग टारगेट्स के ऊपर बात करें दोस्तों, तो चार्ट पे अब कोई ऐसा लेवल पुराने दिखाई नहीं पड़ते हैं जो हम लोग अनुमान लगा सकें, क्योंकि ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे शेयर, अपना जो पुराना कहीं पे एक बार गया था कि उम्मीद थी कि ये 5th रेजिस्टेंस तक जाएगा, उसको ऑलरेडी ये 80 रुपीज पे जा रखा है, और वो भी मैंने 72 का टारगेट आपको दिया था। तो अब हम लोग दोस्तों जो टारगेट लेके चले वो सिर्फ मतलब हम लोग बस इसमें ऐसे माप कर सकते हैं, विदाउट इसमें कुछ वो नहीं है कि कहीं से डाटा निकाल के हम लोगों ने ये पॉइंट इसमें अब मार्क किया है, ठीक है। तो ये वो लेबल्स हैं जो अब मैं इसमें फिट कर रहा हूं बस अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि कुछ और इसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि अब और ऊपर का इसमें देख सकते हैं। फिर खरीदने की अगर बात करें दोस्तों, तो खरीदने का जोन जो नजर आता है जहां पे थोड़ा शेयर सेटल दिखा था वो अराउंड 62-58 रुपीज था, मतलब जिनका लॉन्ग व्यू है वो तो ऑब्वियसली खरीदने के लिए जा सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म व्यू के लिए देखिए दोस्तों 1 महीने में ये जो इतनी तेजी से ग्रोथ हुई है नवंबर के बाद से, आप देखेंगे 39 रुपीज के राउंड था, मतलब अभी नवंबर पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है और हम लोगों को ऑलरेडी शेयर 100% का रिटर्न दे चुका है। तो मतलब 1 महीने में इतनी बड़ी रैली बहुत कम देखने को मिलता है, और आरबीएनएल वो करके दिखा रहा है, तो ये काफी बड़ी बात हो जाती है। स्टॉप लॉस में आप लोगों को अपडेट कर लेना है 56.25 रुपीज का, नए टारगेट जो है वो आपको 88 का मिलेगा, फिर उसके बाद 110 का। अभी हम लोग जो है 88 का टारगेट लेके चलेंगे इस वीक का। अभी देखिए लगातार 4 दिन से काफी एक्टिव में बाइंग आ रही है, और जब अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो थोड़ा सेटल होगा। अब जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है वो अभी भी होल्ड करके चलें, क्योंकि ये अभी यहाँ पे कंपनी रुकने वाली नहीं है। थोड़ा अगर इसका प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन भी होके अगर ये वापस से इस लेवल के अराउंड आता है तब भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने इतने बिलो लेवल पे बाई कर रखा है, तो जाहिर सी बात है बने रहिए, और ये शेयर और ऊपर तक जाने वाला है, उम्मीद बहुत ज्यादा है। और जो इसकी फील्ड है वो भी काफी अच्छी है, अगर इस साल अभी देखिए 6 मंथ कंप्लीट हुए हैं एक तरीके से डाटा के हिसाब से, और जो ग्रोथ है वो लगातार इसमें बनी हुई है, तो अभी भी इसको कुछ 1-2 और बड़े प्रोजेक्ट मिल गए तो शेयर रुकेगा नहीं। देखिए ये अभी जो हाल फिलहाल में नवंबर में भी काफी सारे इसमें हम लोगों को देखने को मिला है, तो उस वजह से ग्रोथ रही है। ओवरऑल यही अपडेट हो जाएगा, कोई भी डाउट होगा जरूर से कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडियो।